सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज बनाऊंगी मैं जन्माष्टमी स्पेशल प्रसाद। जन्माष्टमी की मिठाई बनाने का ले लिया हमने काजू बादाम, ये इतने एक एक मुट्ठी ले लिए, किशमिश, मगज के बीज, मखाने और यू नारियल का बुरादा या चीनी। सबसे पहले और गाय का घी ले लिया, गाय का घी बनाऊंगी। कढ़ाई धर ली गैस पे और इसमें घी डाल लूंगी। ये डाल लिया घी इसमें और सबसे पहले काजू भून दूंगी, इसमें तल लूंगी। ताता होने दो पहले, जब तक घी ताता हुआ है या चीनी ले ली, चीनी डाली पतीले में और आधा गिलास पानी का, इसने इसमें चाशनी बननी धर दूंगी इसकी। एक चूल्हे पर चाशनी बननी धर दी, एक चूल्हे पर एक काजू बादाम कर लूंगी, घी ताता हो गया इसमें, सुनहरे सुनहरे कर दूंगी दोनों काजू ने भी बादाम ने भी साथ में कर दूंगी। चटक चटक लागे करण मग बूंद गए, सुनहरे हो गए काजू भी बादाम भी, इन लाई भी काट लूंगी इसमें तक। गैस कम कर दी, फुल गैस पर तो जड़ जाएंगी, सुनहरे हो गए इन काट लूंगी। काजू बादाम काट लिए, ये मखाने तल लूंगी, ये सुनहरे हो गए मखाने भी, इन भी काट लूंगी। ये तल लिए, ये तलूंगी बुरादा नारियल का, इसमें घी रह रहा है, इस घी में तल लूंगी थोड़ा समय, जब तक यह चाशनी बन लग रही है। ये चाशनी चिपचिपी सी बनानी है, थोड़ी ही चिपचिप हो जाएगी नहीं, फिर बंद कर दूंगी। जब तक ये नारियल का बुरादा भून लूं और गला है किशमिश डाल दूंगी इसमें, और ये मगज के बीज डाल दूंगी। ये सारी चीज तल ली, काजू बादाम तल लिए, मखाने तल लिए, और यो नारियल का बुरादा भून दो मैं, और गे किशमिश घेर दी नारियल का बुरादा में, और मगज के बीज घेर दिए, और चटनी चढ़ा दी बुरा मैंने, चिपचिपी सी बना दी है। देखो भगवान का प्रसाद है, जमा आराम तक बना सका आप, यूं भी मिठाई बनानी हो मिठाई बना के ना खा सक। और इस गूंद को नहीं मेरे तो रहा गूंद और गिर दी है, थोड़ा गूंद और पड़ जाएगी, जितने काजू बादाम दिए थे इतना गूंद भी पड़ा इसमें। देखो ये आराम तक बना के ना, तो अब लोग डर नहीं आ रहे थे, नारियल का बुरादा भी सुनहरा हो गया, ये भी इसने बंद कर दूंगी गैस में, और इसने ही लादी जाऊंगी क्योंकि यहाँ कढ़ाई गर्म नहीं पे नीचे तो जड़ जाएगा। और इन ये ठंडे हो गए, इन पीस लूंगी दरदरे दरदरे पीस लूंगी, ये जार ले लिया मिक्सी का, पहले ये मखाने पीसूंगी। ये मखाने गाल लिए मिक्सी के जार में और इन ही पीस लूंगी। ये पीस गए, ये भी इसने इसमें कढ़ाई में डाल दूंगी, और इसे जार में काजू बादाम और पीस लूंगी, थोड़े दरदरे दरदरे पीस लूंगी, मखाने भी थोड़े दरदरे पीस लेंगे, और ये काजू बादाम भी दरदरे पीस लूंगी। थोड़ा हाई चलाऊंगी, ज्यादा को नहीं घुमाऊ, नहीं तो जमा बारीक हो जाएंगे, ज्यादा घुमाउना था तो। ये देखो दरदरे दरदरे पीस गए, थोड़े ही और पीस लू। ये देखो ये भिन्न भी इसमें डाल दूंगी, और ये भिन्न अच्छी तरह मिला दूंगी, और जो यह चाशनी बनाई थी ये भी यह चाशनी मिला दूंगी इसमें, और इसमें मिक्स कर दूंगी, गैस चला लूंगी। और इसमें गूंद गिरना चाहो तो गूंद भी गिर सको, हो मेरा तो रही गूंद है को नहीं कर पाए, यो प्रसाद बनाऊंगी मैं काला जी का, जन्माष्टमी स्पेशल प्रसाद बनाया भाई मैंने, यू घर बना के ना भोग लगा था अपने भगवान का है, बाहर जाने की जरूरत को नहीं बाजार में। देखो कितना अच्छा प्रसाद हो गया तैयार, इसमें इलायची पाउडर भी डाल सको हो, मेरा दौरा इलायची पाउडर खत्म हो रहा है। ये देखो अच्छी तरह पका लिया ही मैंने, ये सारा सामान मिला के ना चाशनी मिला के ना, ये कितना अच्छा हो गया, सुंदर लग गया देखना मैं प्रसाद मेरे कृष्ण मुरारी का, जन्माष्टमी स्पेशल प्रसाद बना दिया भैया हमने, और अपने काना जी का भोग लगाऊंगी। और यो चार पाँच मिनट और पका लिया मैंने, यो सारा सामान मिला के मैं और ये गैस ना बंद कर दूंगी,
यो बन के हो गया तैयार प्रसाद। जन्माष्टमी स्पेशल मिठाई और इसने ये थाली में निकाल दूंगी, थाली का घी लाऊंगी थोड़ा। ये चिपक होने की इस करके मैं ये नीचे घी लगा दूंगी। ये थाली में घी ला दिया, ये बीच में थाली में काट दूंगी और इसने यू चिपरा दूंगी अच्छी तरह एक सार कर दूंगी और इसकी बर्फी काट दूंगी। लड्डू भी बना सको हो और बर्फी भी। जन्माष्टमी स्पेशल प्रसाद तैयार है और इसके ऊपर कोई भी है मगज के बीज डाल दूंगी और एक बर्फी काट दूंगी इसकी। ये किशमिश आ गई बीच में, ये देखो ये इब्बे गर्म है, उठाऊंगी तो टूट जाएगी नहीं तो काट के ना दिखा देंदी। फिर भी कोशिश करूंगी काट के दिखाने की। ये कोना मैं तो उठाऊ, ये देखो एक और उठाऊ हूँ बड्डी बर्फी और ठंडी हो गया पाछे सेट हो जाएगी। इब्बे तो बहुत ही गर्म है, एकदम तो गर्म है, गर्म काटूंगी तो टूट जाएगी। ये देखो गर्म काटने की कोशिश करी टूट गई, ठंडी हो गया पाछे फिर काट के दिखाऊंगी। ये देखो ठंडी होगी, ये भी ना निकाल के दिखाऊंगी। ये देखो जन्माष्टमी स्पेशल प्रसाद तैयार है। ये कृष्ण मुरारी का लगा दिया भोग है, नाना जी का जय मुरली मनोहर की, जय कृष्ण मुरारी की।